शहीद दिन 23 मार्च के निमित्त युवा शहीद बहुउद्देशीय भगत सिंह संस्था की ओर से रक्तदान का आयोजन किया गया। इस मार्च शहीद दिन यह अमर शहीद भगत सिंह जी, अमर शहीद सुखदेव जी, अमर शहीद राजगुरु जी की स्मृति में मनाया जाता है, जिन्होंने भारत माता एवं देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। इन शूर वीरों के बलिदान के दिन निमित्त युवा शहीद बहुउद्देशीय भगत सिंह संस्था की ओर से सरकारी रुग्णालय में रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस इस विषाणु वायरस से लड़ रही है, और ऐसे में शहीद दिन के अवसर पर युवा शहीद बहुउद्देशीय भगत सिंह संस्था ने रक्तदान कर लोगों के लिए एक मिसाल कायम की। रक्तदान के अवसर पर डॉक्टर प्रेमचंद सर, सतनाम सिंह मिर्धा, शैलेश लहरिया, कुलदीप सिंह मिर्धा, अविनाश खांडे, राजदीप सिंह मिर्धा, निखिल बटकोटवार, शिवाजी वाकोड़े, गुनंद बोरीकर, ओम कुमार जायसवाल, राजू काहिलकर, कुणाल चन्ने, रोहन मिश्रा, विकास टिपले, राजू बुरे, करण कतकरे, प्रणय पडवेकर, जगदीश हांडे, अमोल सारे, सतपुरोहित, मिलिंद गुंडू, आकाश शुभम, सुनील तथा बड़ी संख्या में मित्र परिवार उपस्थित थे। युवा शहीद बहुउद्देशीय भगत सिंह संस्था के इस कार्य की सीटीवी सराहना करता है। 23 मार्च शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय जी और हमारे क्रांतिवीर शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, 23 मार्च इनका शहीद दिन बड़े ही श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। चंद्रपुर में हम 11 साल से रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं और आज रक्तदान कर हमने, हमारे दोस्तों ने और युवाओं ने चंद्रपुर जिले की ओर से रक्तदान किया और उनको अपने स्वच्छ रक्तदान से श्रद्धांजलि अर्पित की। हम युवाओं से यही अपील करना चाहते हैं कि आने वाले समय में धुपकल आ रहा है और ये धुपकल में ब्लड की बहुत कमी रहती है, तो मैं युवाओं को और युवतियों को यही हाथ जोड़ के नम्र विनती करता हूँ कि पेशेंट को ब्लड मिलता नहीं, आप जैसे युवा आगे आएंगे तभी ये काम हो सकेगा और विश्व को सबसे ज़्यादा ब्लड की जरूरत होती है। ब्लड का खेती नहीं होती है, ब्लड का मेडिकल में नहीं मिलता है, कहीं भी ब्लड उपलब्ध नहीं होता है, करके आप अपने ब्लड से दूसरों की जान बचा सकते हैं। और शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी, इनको कोटि कोटि नमन करता हूँ।